जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ज्योतिष रहस्य मैं आपको आज एक ऐसा ज्ञान बताने जा रहे हैं जिसमें आपकी आंखें खुली रह सकती है, आप प्रैक्टिकल रूप से चेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, और नहीं तो जिंदगी में अजमा भी सकते हो। लड़कों जैसे छोटे छोटे बाल रखने वाली स्त्रियां अधिकांशतः दुखी रहती है। वे भले ही उच्च पदस्थ हो सकती है, छोटे बाल रखने वाली स्त्रियां कलेक्टर नहीं बन सकती है, एसपी बन सकती है, टीआई बन सकती है, या और कोई भी अधिकारी बन सकती है, परंतु उनके जीवन में सुख नहीं होता है। पैसे को सुख से नहीं तोला जाता है, खास तौर पर पति सुख या विपरीत लिंगी सुख उनको नहीं होता है। ऐसी स्त्रियों को पुरुषों के प्यार और सहानुभूति के तलाश में भटकते हुए देखा जाता है। इसलिए कहते हैं स्त्रियों को बाल नहीं कटाना चाहिए। यदि स्त्री अविवाहित है तो मान करके चलें वह पुरुष के प्यार के लिए तड़पती रहती है, और यदि स्त्री विवाहित है तो पति से नहीं पटती है और अलगाव की स्थिति बन जाती है, और अधिकांश मामलों में पति से संबंध विच्छेद भी हो जाता है। मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है। अब इसको आप अपनी जिंदगी में देखिएगा, अपने आसपास देखिएगा, अपने परिवार में देखिएगा, और अपने शहर में भी देखिएगा कि बाल कटे हुए बाल वाली स्त्री यानी कि बॉय कट या बेबी कट, जिसने स्त्री शक्ति को कटवा लिया हो, यानी बाल कटवा लिए हैं, चोटी कटवा ली हो, ऐसी स्त्री का पारिवारिक जीवन खराब होता है। उसका चाहे एक छत के नीचे पति के साथ भी रह रही होगी, सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए, अपने मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए, तो उनका अंदर का पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाता है और तहस नहस हुआ रहता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। यदि आपके कोई बेटियां हैं तो कृपया उन्हें बाल न कटवाने दें, क्योंकि बाल कटाने से स्त्री की जो शक्ति होती है, जो चोटी में होती है, वो स्त्री शक्ति नष्ट हो जाती है, उसके ऊपर ऊपरी बाधा का साया लग जाता है, यह निश्चित है। इसलिए पुराने जमाने में सिर ढक करके रखा जाता था और बाल नहीं कटाए जाते थे, चोटी बांध करके रखी जाती थी। परंतु चूंकि आजकल फैशन हो गया है, पढ़े लिखे हो गए हैं, एडवांस हो गए हैं, वेस्टर्न कल्चर की ओर हम चल पड़े हैं, हम आधुनिक हो गए हैं, हमने भारतीय संस्कार संस्कृति परंपरा रीति रिवाज को त्याग दिया है। हम सिर्फ, हमारा उद्देश्य केवल एकमात्र हाय पैसा और पैसा कमाना उद्देश्य है। यदि मनुष्य और विशेष तौर से स्त्री अपने इन बालों को कटाती हो तो निश्चित तौर से स्त्री शक्ति जो उसके अंदर विद्यमान है, जो प्रकृति दत्त है, उस स्त्री शक्ति का ह्रास होता है, यानी स्त्री शक्ति घटती है, कट जाती है, फिर उसके ऊपर ऊपरी बाधाओं का प्रभाव होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अपने बाल नहीं कटाना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।